नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं समझ न्यूज इंडिया। विधानसभा चुनाव जहां 5 राज्यों में मुकम्मल हो चुके हैं, भाजपा ने 4 राज्यों में जीत हासिल की है, तहलका मचाया हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ हम बात करें इन 5 राज्यों में कांग्रेस को करारी हार का सामना भी करना पड़ा है। कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी का G23 ग्रुप जो है वो एक बार फिर एक्टिव हो गया है। आपको बता दें कि जहां पर कांग्रेस का दबदबा था, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, वहां की जनता ने भी कांग्रेस को नकार दिया है। जहां बता दें आपको कि G23 ग्रुप जहां के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के घर पर नेताओं के साथ एक मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है, जहाँ पर खास तौर पर केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल और मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। 5 राज्यों के नतीजों को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फैसला लिया है कि केंद्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें हार की समीक्षा की जाएगी। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि जनादेश को विनम्रता से स्वीकार करते हैं, सीखेंगे और भारत की जनता के हितों के लिए काम करते रहेंगे। राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा भी किया और कहा कि पार्टी इस हार से सबक जरूर लेगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बेहद खराब प्रदर्शन से राज्यसभा में उसकी स्थिति कमजोर हो गई और पार्टी पर अब संसद के ऊपरी सदन में नेता विपक्ष का दर्जा खोने का खतरा मंडरा रहा है। इस वर्ष उच्च सदन के लिए द्विवार्षिक चुनाव होने के बाद कांग्रेस की संख्या ऐतिहासिक रूप से कम हो जाएगी और उसके सांसदों की संख्या नेता विपक्ष के दर्जे को बनाए रखने के लिए जरूरी न्यूनतम संख्या के करीब ही होगी।